स्वामी जी, अब हम थोड़ा जो आजकल जो धार्मिक पर्यावरण है उसकी भी समीक्षा करते हैं। बहुत से साधु है, सन्यासी है, महंत है और बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, और हमारे जैन धर्म के आचार्य को देखो, करोड़ों अरबों रुपए के मंदिर, धर्मशालाएं, भोजनशालाएं सिर्फ उनके उपदेश बन जाती है और वो बनाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका जो अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ द विजन है, इसका लिटरेचर मान लो 5-10 हज़ार का लिटरेचर है, उसके लिए भी बात कही जाती है, तो जो लिटरेचर है, जो हमारी शिक्षा की चीज, उसके लोग ध्यान नहीं देते और किसी के कहने से करोड़ रुपए भी दे देते हैं। और उसके बाद के अंदर जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे रियल दृष्टि में वो साधु नहीं हैं, वो कंचन कामनी से मुक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कह करके वो पैसा जोड़ रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं और पांचों इंद्रिया की सब सुविधाओं का जो उपयोग कर रहे हैं, और उनका आकर्षण उन ऐसे लोगों की तरफ और सही चीज की तरफ जो सही दृष्टि है, सही सोच, जिसमें मैं कुछ करना नहीं, जैसे आपका आर्ट ऑफ द विजन है, अध्यात्म विज्ञान है, उसकी तरफ इतना आकर्षण नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षण है। ये थोड़ा भेद मिटना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं भाई कोई जिसकी मान्यता हो जहाँ जाए वो नहीं है, परंतु आदमी सही दृष्टि को तो पहचाने ना। सही दृष्टि दीजिए ऐसे भ्रमित लोगों। तो आज लोग क्या कर रहे हैं? मैंने पहले कहा लोग स्वार्थी हो गए, लोग सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, पूरा परिवार का भी नहीं सोच रहे, समाज का भी नहीं सोच रहे और राष्ट्र का भी नहीं सोच रहे, और ऐसे गलत सोच से इनका जीवन गलत रास्ते पर चल जाता है। आज समाज में बहुत सारी भिन्नता है। क्यों भिन्नता है? क्योंकि समाज के अंदर पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला बनता है और गरीब ज़्यादा गरीब बनता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है, पैसे वाले के पास लोग जाते हैं और काम करवाते हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। गरीब के पास जो काम करता है उनको कैसे कम पैसे में काम करवा जाए, अगर वो नहीं करेंगे तो हम दूसरे को बुला लेंगे। ऐसे करके गरीब लोग और गरीब बनते हैं, पैसे वाला और पैसे वाला बनता है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि ये पाप और पुण्य का खेल है, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ हमको पाप पुण्य से ऊपर उठ के आगे बढ़ना चाहिए, आगे की सोचना चाहिए। क्या हम इसी चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं? हर धर्म के अंदर देखो धर्मगुरु क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं और पूरा वैभव समाज के पैसों से वो आनंद करता है, कंट्रोल करता है। तो जीवन के अंदर ऐसे धर्मगुरुओं के साथ हमको भी सोचना चाहिए कि आखिर धर्मगुरु पवित्र है, वो ज्ञानी है, वो सरल है, सहज है, तो उनके साथ ही हमको रहना चाहिए। जो पवित्र नहीं है, सरल सहज नहीं है, वैभवी है, उनके साथ हमको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी तो बुराई है और ऐसे साधु संत सन्यासी को बिगाड़ने में भी हमारा योगदान होता है, तो इसलिए हम भी जिम्मेदार होते हैं। तो समय की मर्यादा के अधीन बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये बात में आप जागृत रहिए, सोचिए, समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।